लाइव टीवी एक्सप्रेस द नंबर वन न्यूज चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। हम आपको दिखाएंगे राजनीति, मनोरंजन, क्राइम, खेल और आम क्षेत्र से जुड़ी सारी अहम खबरें। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बलिया जिले के रसड़ा में सेंट मैरी स्कूल राघोपुर व निवासीड भोपाल के तत्वावधान में कोरोना वायरस से बचाव हेतु जागरूक अभियान चलाया गया। वहीं संस्था ने प्यारेलाल चौराहा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, पुलिस चौकी, सिंगाही गांव इत्यादि मुख्य जगहों पर 1500 लोगों में मास्क वितरित कर लोगों को जागरूक किया, जिसमें यमराज और कोरोना का मुखौटा पहने लोगों को साथ लेकर जागरूक किया गया। इसमें कहा गया कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि लड़ने की आवश्यकता है, जिसमें कुछ जरूरी सुझाव दिए गए, जिसमें हाथों को बार बार धोने और खांसते छींकते समय डिस्पोजल टिश्यू का इस्तेमाल करें, इस्तेमाल किए टिश्यू को फेंक दें, मास्क का उपयोग जरूर करें, टिश्यू या रुमाल नहीं है तो खांसते और छींकते समय अपने बाजू का इस्तेमाल करें, इत्यादि सुझाव दिए गए। इस कार्यक्रम में संचालक सुजीत, स्टाफ नर्स अनीता, यमराज यशवंत, कोरोना मुखौटा पहने अंश अमन, सहयोगी सेंट मैरी स्कूल के फादर जॉन अब्राहम, सिस्टर स्मिता, राजस्व विभाग के क्षेत्रीय लेखपाल कामेश्वर इत्यादि लोग उपस्थित हैं। मेरा नाम अनीता है, मैं रहने वाली खरुआ गांव से हूं और मैं गोरखपुर में नर्स हूं। मैं सुझाव यही देना चाहूंगी कि जो कोरोना वायरस है इसे बचाव करने के लिए अपने अपने देश को, अपने गांव को, अपने शहर को स्वस्थ रखें और खुद इस सेवा के लिए हम चाहते हैं कि अपनी जो जानकारी है जितना हम जानते हैं एक नर्स के द्वारा वो हम दूसरे को बांट सकें। शुरू करें। मैं फादर जॉन अब्राहम सेंट मैरी स्कूल मरियमपुर के दसरा के प्रबंधक हूँ। जब मिस्टर सुजीत ने ये आशय रखा कि कोरोना अवेयरनेस के लिए कुछ प्रोग्राम दसरा मार्केट और प्यारेलाल चौराहे में करें, मैंने उसका पूर्ण सहयोग दिया और आम जनता को कोरोना महामारी के बारे में थोड़ा कुछ अवेयरनेस देना, जानकारी देना और जागरूक करना हम देशवासियों का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ताकि हम लोग इस महामारी से बच सकेंगे, अपने को बचाए रखें और दूसरों को बचाए रखने के लिए प्रोत्साहन देते रहें। धन्यवाद। मेरा नाम सुजीत है और मेरा गांव का नाम खरुआव है, नगरा ब्लॉक में आता है। सर, मैं भोपाल में नेशनल इंस्टीट्यूट वुमेन एंड चाइल्ड यूथ डेवलपमेंट में सोशल वर्क से काम कर रहा हूँ। जब मैं छुट्टी पर अपने या रसड़ा अपने घर आया तो यहाँ की स्थिति में देखा ऐसे कि लोग बिना मास्क और ऐसा लगा कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम है और मुझे कहीं ना कहीं ये देखकर दुख हुआ कि कहीं और मरीज बढ़ेंगे तो ये सब बंद हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्त मित्रों से, लोगों से पूछकर ये अवेयरनेस चलाऊं और मास्क बांटूंगा अपने तरफ से। तो सर मैं इसलिए, सर मैं 1300 मार्क्स वितरण कर चुका हूँ। सर करीब करीब मेरा लक्ष्य 2000-2500 का है। मैं पूरे इसमें सब्जी मंडी, बस स्टैंड, अपना रसड़ा बस ये ऑटो चौराहा और अपना समुदाय केंद्र और ये सबको कवर करना चाहता हूँ। बलिया से संवाददाता अख्तर जमील की रिपोर्ट। खबरों की दुनिया में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर ताजा अपडेट के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन। नमस्कार।